क्लास 10 साइंस के फिजिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इसके पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गया रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या। तो देखिए, ऑब्जेक्ट एनी थिंग्स दैट गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऐसी चीज जहां से लाइट रेज बाहर निकलती हो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम सन बोल सकते हैं, ठीक है, सन होंगे, सन से लाइट रेज क्या होती है, बाहर निकलती है। हम कोई भी मार्कर ले लें, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है जहां से लाइट रेज बाहर निकल। आगे हम और भी अच्छे से इसके बारे में जानेंगे, मिरर पढ़ेंगे। तो बस इतना ऑब्जेक्ट के बारे में जानिए कि एनी थिंग्स दैट गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज जहां से लाइट रेज बाहर निकलती है वो ऑब्जेक्ट होती है। अब लाइट रेज बाहर निकलती है किसी ऑब्जेक्ट से, लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रही है, निकलने के बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगी, तो वहां पर इमेज बनता है। इमेज, अब हम बात करें इमेज की डिफिनेशन की। इमेज को हम एक पॉइंट के रूप में शो कर सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स आपस में मिलके ही आपके इमेज बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज को हम एक पॉइंट के रूप में शो करते हैं जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आके आपस में मीट करती हैं या फिर अपीयर टू मीट होती है। मतलब या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, दो चीज। इमेज कब बनता है, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके बनता है, उसी पॉइंट पे आपका इमेज बनता है। समझा है? इस इमेज को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। इमेज बोले तो प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और एक होता है ये आभासी प्रतिबिंब। तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज रियल में आके मिलेगी वहां पर आपका रियल इमेज बनेगा, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी यानी अपीयर टू मीट होगी वहां पर आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब क्या है कहने का? तो देखिए, आइए हम इसको फिगर से समझते हैं, फिगर से। इमेज किसी एक पॉइंट पर आके जब रिफ्लेक्शन से बाद लाइट मिलती है तो वहीं पर इमेज आपका बनता है। टू टाइप्स हमने बताया, वर्चुअल और रियल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियल इमेज को, समझाते हैं आपको रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, हिंदी वाले भी समझते हैं। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, मिरर जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझाएं। ये मिरर है, ये वाला पार्ट बाहर का पार्ट कोटेड होता है मिरर में, ओके, और इतनी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही, देखिए हम हैं तो हमारे बॉडी से भी लाइट रेज निकल रही है, कोई भी ये मार्कर है इस बॉडी से भी लाइट रेज निकल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है। तो ये जो लाइट रेज है, यहां ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज निकलेगी, ठीक है, लाइट रेज निकलेगी तो इस मिरर से टकराने के बाद यहां पर रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद मैं और लाइट रेज निकालता हूं यहां बीच से और इसको पोल से ले जाता हूं, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहां आएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, ये पॉइंट बी है, रियल में मिल रही है ना, हम इसको जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं, ये क्या हो रही है, रियल में मिल रही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज थम्स अप जरूर कर दें।
तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो पॉइंट बी पर कब मिली, रिफ्लेक्शन के बाद, ए पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अब इस पॉइंट पर ही क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, समझ में आया, ठीक है। तो बी पर क्या बना, इमेज बनेगा, इस बी पे ही इमेज बनेगा, ए पर ऑब्जेक्ट है, बी पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहां लाइन खींच दिया, ठीक है, ये लाइन मतलब ये बताएगा इमेज कितना बड़ा है, बी पी डेस आपका क्या है, इमेज है, ए और ए डेस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ये आपका रियल में मिल रही है, अपियर टू मीट नहीं है, वास्तव में मिल रही है। ये जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा आपका, रियल इमेज बनेगा। ये कैसा इमेज है, रियल इमेज, समझ में आया। अब बात है वर्चुअल इमेज की, बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब में भी हम, चलो ये मिरर है, तो कौन सा मिरर हमने लिया, ध्यान दीजिए, मिरर बताएंगे तो वहां टाइप बताएंगे मिरर के, मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये मिरर है आपका कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ये, ठीक है। अवतल दर्पण पर हमने काम किया। अब आइए, अब हम दर्पण चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, अब हम मिरर चेंज करते हैं, तो हमने मिरर लिया और वो मिरर है कुछ ऐसा, और इस मिरर को हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल दर्पण, यह है आपका कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण, सुनिए आगे। अब हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर यह ऑब्जेक्ट ए और ए डैश है, जिसकी हाइट क्या है, ए और ए डैश है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी और इस मिरर पर जाए, मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद, मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद क्या होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, जैसा कि पता है हमको ये ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो मिरर पर टकराएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऊपर चली जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन, यहां ऊपर जा रही है या नीचे क्यों जा रही है, तो देखिए ये वाला पार्ट कर्व है, लाइट नीचे की तरफ आएगी, ये वाला पार्ट कर्व नहीं है, तो लाइट कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। एक लाइट और निकालते हैं रेज, हम ये भी नीचे आएगी यहां पे। अब बताइए ये वाली जो लाइट रेज है और जो ये वाली लाइट रेज है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ये आपस मिलेगी नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है ना, मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा, कहां नहीं मिलेगी, ये तो ऊपर जा रही है, हाई वाली नीचे आ रही है, तो ये ऊपर और नीचे कोई मिलेगी नहीं, तो हम मिलाना चाहे जबरदस्ती तो हम इमेजिंग करेंगे, इसलिए इसको पीछे करें और इसको यहां पीछे बढ़ाए। इस पॉइंट क्या मिल रही है, इस पॉइंट को नाम दें हम क्या, बी, इस वाले फिगर में बी पर आके मिल रही, लेकिन कब, पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिल रही है, बात समझ में आ रही है ना, पीछे की तरफ बढ़ाने पर क्या हो रही है, मिल रही है। हमने यहां लाइन ड्रा कर दिया बी और बी एस, तो ये जबरदस्ती मिलाया गया पीछे बढ़ा करके, यहां पर कोई ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट मिल गया था। तो यहां पर जो ये इमेज बन रहा है, ये सीधा बन रहा है, देख रहे हैं, यहां पर जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, यहां ऊपर एरो का साइन ऊपर था, यहां एरो का साइन नीचे, यहां दोनों एरो का साइन ऊपर ही रहेगा। तो ये आपका वर्चुअल इमेज है, आभासी इमेज, और ये आपका रियल इमेज है, समझ आया। इस तरह यहां पीछे जब पढ़ाते हैं तब जाके मिलती है, यहां पर रियल इमेज मिलती है, ये दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में लाइट रेज वास्तव में आके मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद, और वर्चुअल इमेज में लाइट वास्तव में आके नहीं मिलती, अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती है, बात समझ में आ गया। अब इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, डिफिनेशन हमने बता दी,
जब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद रियल में आके मिलती हो तो वहां पर रियल इमेज बनता है। लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद रियल में नहीं अपीयर टू मीट होती है या फिर पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती है तो वहां पर जो इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, आप उस डिफिनेशन के नीचे इस फिगर को ड्रा कर लीजिएगा। ओके, तो डिफिनेशन है लिख लीजिएगा। चलिए इस फिगर में और कुछ समझते हैं, एक मिनट। चलिए इस फिगर में हम कुछ और समझाते हैं आपको। जो रियल इमेज बना है, इस रियल इमेज में देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह उल्टा है। इस इमेज में जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो आपका सीधा है। तो हम बोल सकते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, उल्टा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, सीधा होता है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं कि जो रियल इमेज होता है किस मिरर में बनता है, कॉनकेव मिरर में बनता है। वर्चुअल इमेज किस में बनता है, कन्वेक्स मिरर में बनता है। ये दो चीज बोल सकते हैं, ठीक है, पास हो जाए। इसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो ये जो रियल इमेज है इसको हम स्क्रीन पर फाउंड कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमको ये मिल सकते हैं, पर्दे पे इसको हम पा सकते हैं, लेकिन जो यह वर्चुअल इमेज है इसको हम पर्दे पे नहीं पा सकते, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाने पे मिलते हैं और ये डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो इसका डिफरेंस भी लिख देते हैं हम लोग, हम डिफरेंस भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसका। आइए अब हम बात करते हैं मिरर की। मिरर की बात करते हैं तो मिरर क्या है, मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। मिरर क्या है, मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। बोल सकते हैं कि मिरर इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझे, यानी मिरर क्या है, एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मिरर से लाइट रिफ्लेक्शन होती है लाइट रेस का, उसके बाद बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है। तो मिरर के टाइप भी होते हैं, बात सुनिए मिरर क्या होता है। मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। डिफिनेशन लिख देंगे आपको, लिख लीजिएगा, पहले सिर्फ समझते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बीच में लाइक जरूर कर दें, आगे चलते हैं, थम्स अप जरूर करें जिससे हमको पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिरर के टाइप देखते हैं। मिरर मतलब दर्पण। अब देखिए कि दर्पण होता क्या है, दर्पण बता दिए क्या होता है, इसके टाइप देख लें। तो जो दर्पण होता है मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मिरर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन। एक होता है आपका प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण, ओके। और एक होता है आपका स्फेयर मिरर, स्फेयर मतलब क्या, आपका गोलीय दर्पण, ओके। तो एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर को भी हम टू टाइप्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर।
कनकेव मतलब अवतल दर्पण और इसका मतलब उत्तल दर्पण। जैसा जो भी फिगर बनाया था कनकेव मिरर, सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, ओके, तो नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर क्या होता है। आइए देखिए, तो प्लेन मिरर क्या होता है, तो प्लेन मिरर जो होता है एक मिरर होता है, मिरर ही होता है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है, एकदम अच्छे तरीके से फ्लैट होता है, मतलब सीधा होता है, ठीक है। प्लेन मिरर एक मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस पूरा एक फ्लैट होता है। हिंदी में लिखे हैं एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, सीधा ये कोटेड पार्ट होता है, ओके, ये कोटेड पार्ट होता है। आप वो देखे होंगे शीशा कोटेड पार्ट, उसके ऊपर से कलाई किया जाता है, ठीक। आप लोग मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग पता कीजिएगा कि जो मिरर होता है इसके पीछे का पार्ट कोटेड होता है वो किस चीज से कोटेड यानी कलाई किया जाता है, ओके, किस चीज से पीछे का पार्ट कलाई किया जाता है, मिरर, मिरर है प्लेन मिरर। यहां हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, इसका इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे बनेगा और सेम साइज का बनता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस मिरर से यक्ष दूरी पर खड़ा है और उसका इमेज भी यहां से यक्ष डिस्टेंस पे ही बनेगा, जितना हाइट होता है उतनी ही हाइट का आपका इमेज भी बनता है, ओके। इसके कुछ डिफिनेशंस और हैं, डिफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ लिख लीजिएगा। बस इतना जानिए कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका इमेज उतनी ही दूरी पर बनता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ओके। आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, समझ में आएगा आशा करता हूं, वो टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा, यहां तक समझ में आया होगा। प्लेन मिरर से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो कि हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की बात बताएंगे आपको, फिलहाल डिफिनेशन रहा है, आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक मिरर बनाते हैं, ये कोई मिरर है और इस मिरर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओके, ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, दर्पण है, ये आपका वस्तु है। अब बताइए उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी जो कि कहां जाएगी, मिरर पर जाएगी, सीधा भी जाएगी तीसरा भी जाएगी, बहुत सारी लाइट रेज निकल के मिरर पे जाएगी। हम एक लाइट रे ले लेते हैं जो कि यहां सीधा परपेंडिकुलर कहां जा रही है, मिरर पर जा रही है। यदि मिरर ना होता तो ये आगे निकल जाती, लेकिन मिरर है तो इसकी परपेंडिकुलर आ रही है, तो हमको पता है यदि कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर आती है ठीक उसी रास्ते से वापस चली जाती है। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन दिया था इस बेस पे, जीरो एंगल बनाती है, आप लोगों ने आंसर भी किया था जीरो एंगल बनाती है। तो जैसे लाइट रेज हमने एक लिया जो कि परपेंडिकुलर है इस मिरर पर, तो सीधे रिफ्लेक्शन होके इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। और एक हमने एक और लाइट रेज लिया जो कि यहां से यहां आ रही है, ओके, यहां से यहां आ रही है, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होगा ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है।
यदि मैं इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो यह वाला जो एंगल है, यह जो लाइट रेज आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कुछ इधर चली जाएगी। समझ आ रही? हमने दो लाइट लिया, पहला यह लिया और एक और ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये फर्स्ट, सॉरी आई नहीं है, ये फर्स्ट वाला है, पहली बार हमने ये दोनों लिया। समझ आ रही? अब बताइए ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर से सीधे निकल रही है, ये वाली लाइट भी, ये वाली लाइट रेज भी रिफ्लेक्ट होकर इस तरह निकल रही है, यह दोनों कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये वाली लाइट रेज और ये वाली लाइट रेज आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दें। नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगी तो इमेज कैसे बनेगा? नहीं बनेगा इमेज। तो जब इमेज नहीं बनेगा तो हम छेम वर्चुअल इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, यानी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। यदि इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, ये कुछ यहां आके मिलेगी, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया हूं, यहां पर आके मिली, ठीक है। चलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम हम ए और ए डैश रख देते हैं, ओके। यहां पर बन, ध्यान दीजिए ये ए डैश ऊपर ही है, यहां भी आ रहा है, तो इसको हम बी डैश नाम दे देते हैं। समझ आया? ए डैश से जो लाइट निकल रही है, दो हमने ए डैश से दो लाइट लिया, एक परपेंडिकुलर और एक यहां से। अब हम क्या करेंगे, ए से भी दो लाइट लेंगे, एक सीधा जो कि इसके लिए परपेंडिकुलर का भी काम कर रही है, जिसका रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो सीधे इसी रास्ते से पीछे मुड़ जाएगी, मुड़ेगी नहीं हुआ होता तो सीधे जाती है ऐसे। बात समझ आ रही है? ए डैश से हम दो लाइट रेज लेंगे, प्रकाश किरण दो लेंगे, एक सीधे आ रही है, ये हम इमेजिनरी लाइन फिर से, इमेजिनरी लाइन जबरदस्ती मिलाने के लिए कह सकते हैं, तो क्या करने के लिए, जबरदस्ती मिलाने के लिए, ठीक है। अब एक लाइट हम यहां से भी खींच रहे हैं, एक यहां से आ रहा है और एक हम यहां से खींच रहे हैं, यहां पे तो खींच रहे हैं, बताइए ये क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तभी ये भी फॉलो करेगी नियम। कौन सा नियम? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही तो है आपका। अब इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस वाली लाइट को भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहां पर आइट मिलेगी, ये भी बात समझ आ रही। इसको हम नाम देते हैं B, इन दोनों को मिला देंगे। ये क्या किया हमने, ये जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाए हैं तब जाके यहां पर B और बी डैश मिली है, और ये नहीं मिल रही, क्या मिल रही, पीछे बढ़ाने को मिल रही है। तो आपको पता होगा कि पीछे बढ़ाने को मिल रही है, इमेज कौन सा बन रहा है, सोचिए कौन सा इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका वर्चुअल इमेज, जो कि जनरल हम लोग घर पे शीशा देखते हैं सुबह उठ करके, अच्छा खासा क्रीम पाउडर करते हैं, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर। इमेज कहां बनता है, मिरर के अंदर। ध्यान दीजिए सीधा ऑब्जेक्ट है, सीधा इमेज बना हुआ है, जितना लंबा है उतना लंबा बना हुआ है, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर मिरर के अंदर बना हुआ है। तो कुछ टॉपिक्स इसमें है, में भी समझ में आया होगा। एक लाइट रेज हम यहां से लिए, दो और दो यहां से लिए, और भी कई सारे लाइट रेज होंगी, हम समझने के लिए दो ही लाइट रेज लेते हैं। तो क्या क्या मिला हमको, पहला चीज मिला हमको जो इमेज बना वो कैसा बना, वर्चुअल बना। लिख सकते हैं इमेज कैसा बना आपका, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बना।
वर्चुअल में मतलब आभास की प्रतिबिंब बना, दूसरा चीज क्या हुआ, इरेक्ट बना। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा, ठीक है, क्या बना आपका, इरेक्ट बना। इरेक्ट मतलब बोल सकते हैं हम लोग सीधी इमेज बनी। और क्या हुआ, सेम डिस्टेंस, यदि यह डिस्टेंस यक्स है और ये मैं वाई मानता हूं तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, सेम डिस्टेंस मींस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, बराबर दूरी पर बना, सेम साइज यहां लिख देते हैं, सेम साइज का जितना लेंथ इसका होगा और जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी भी होगी, बोल सकते हैं सेम साइज मतलब समान ऊंचाई की, ठीक, रियल एच है तो ये भी क्या होगा, एच डैश लेते हैं उस कंडीशन में लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर टू एच डैश, समझ में आया। उसके बाद है आपका एक चीज, देखिएगा एक चीज और आपको यहां नहीं समझ में आएगा, यदि आप लोग देखते होंगे सुबह चेहरा आप लोग, तो आपका जो राइट हैंड है मिरर में लेफ्ट हैंड दिखाएगा, यदि आप ऐसे मिरर में देख रहे हैं अपना लेफ्ट हैंड उठाए और ऐसे मुड़िए, ठीक है, तो उसका वो क्या होगा, राइट हैंड होगा, मतलब जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो लिटरली इनवर्स बनता है, मतलब कि पार्श्व, बोल सकते हैं इसको लिटरली इनवर्स, लिटरली इन्वर्टेड जिसको बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब, लिख देते हैं पार्श्व प्रतिबिंब, पास मतलब यदि आपका राइट हैंड है तो मिरर में वो लेफ्ट हैंड दिखाएगा, राइट आई आपकी मिरर में लेफ्ट आई दिखाएगी, इसकी डिफिनेशन हम लिख देंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका प्लेन मिरर से संबंधित कुछ चीजें हैं, जितना हाइट उतना इमेज का भी हाइट, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इसका। इससे जुड़ी कुछ और बातें, जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन अपनी पूरी बॉडी को देखना चाहता है तो क्वेश्चन है कि वह कितनी हाइट का इमेज लेगा, तो यदि कोई पर्सन अपनी पूरी बॉडी को देखना चाहता है तो यदि वो इमेज मिरर लेना चाहता है तो अपनी हाइट का, यदि वो आधा हाइट का मिरर लेगा तो अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से देख सकता है। ये चीजें हैं आपकी कुछ चीजें, और बात ये समझ में आया, लिटरली इनवर्ट का हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इस इमेज को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा जैसा हमने बोला वैसा वैसा आप अपने वर्ड में कॉपी में इसको वर्ड सेंटेंस के रूप में बना सकते हो, ओके, लेट एन ऑब्जेक्ट ए एंड ए डैश, हाँ, फर्स्ट रेज कम फ्रॉम ए, ठीक है, एंड सेकेंड रेज दिस, आफ्टर रिफ्लेक्टेड दिस मीट एट द पॉइंट बी डैश, एंड सेकेंड रेज, ठीक है, कम्स आउट फ्रॉम ए, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस मीट एट पॉइंट बी बी, देन द इमेज फॉर्मेशन एट द बी एंड बी डैश पॉइंट, ओके, बस यही लिखना है, इतना आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, हमने समझा दिया, ये भी समझ में आया होगा कि प्लेन मिरर से इमेज को हम कैसे बनाते हैं। आइए इमेज हम डिफिनेशन लिख देना उसकी, ये लेटरली इन्वर्जन का डिफिनेशन है कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर द राइट साइड ऑफ द इमेज, मतलब जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वह इमेज में उसका लेफ्ट साइड दिखेगा,
जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वह इमेज में उसका राइट साइड दिखेगा। हिंदी में भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये डिफिनेशन रहा आपका लेटरल इमर्जन का। इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे प्लेन मिरर और प्लेन मिरर। अच्छे यूज ऑफ प्लेन मिरर भी होता है। तो प्लेन मिरर का यूज सबसे पहले कि घर में करते हैं हम लोग, ठीक ना, अपने ड्रेसिंग टेबल में। दूसरा चीज पेरीस्कोप और क्लाइडोस्कोप में करते हैं। अब पेरीस्कोप क्लाइडोस्कोप क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आप इसके बारे में जान सकते हैं पेरीस्कोप और क्लाइडोस्कोप के बारे में तो पढ़िएगा। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।